फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज दक्षा फ्रॉम लिविंग इनसाइड आउट। आज हम इस वीडियो में हीरोज जर्नी के बारे में बात करेंगे। हम समझेंगे कि क्या है ये हीरोज जर्नी और इसके क्या क्या स्टेजेस होते हैं। आप खुद भी अपने लाइफ में रिलेट करके देख सकते हो अपने आप को इस जर्नी से, और आप देख सकते हो इस वक्त आप कौन से स्टेज से पास हो रहे हो। अब जब भी हम हीरो आर्किटाइप की बात करते हैं, जब भी आप हीरो नाम सुनते हो, तो यहाँ पर हीरो वो होता है जो करेजियस होता है, या हम बोल सकते हैं हीरो वो होता है जिसे लोग एडमायर करते हैं, जिसकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, जो लोगों के लिए जैसे इंस्पिरेशनल होता है। अब जब भी हम धरती पर आते हैं तो एक हमारा जैसे सोल प्लान होता है, हम पर्पस से आते हैं कि हम अगर अर्थ पे आ रहे हैं तो हम ये माइलस्टोन को पूरा करेंगे धरती पर जाकर, या अपने सोल प्लान हम डिसाइड करके आते हैं कि हम यहाँ पर ये पर्पस को पूरा करेंगे, ये मिशन को पूरा करेंगे। तो जब भी हम अर्थ पे जन्म लेते हैं तो यहाँ पे एक सेट ऑफ बिलीफ सिस्टम चल रहा है, एक जैसे मैट्रिक्स की प्रोग्रामिंग चल रही है। फिर जैसे ही हमारी एज बढ़ने लग जाती है, हम अपने लाइफ में आगे बढ़ने लग जाते हैं, तो कभी ना कभी तो हर एक के लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, या हम बोल सकते हैं ऐसा टाइम आता है, ऐसा स्टेट आता है जब यूनिवर्स हमें पुश करते हैं कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। सो जो फर्स्ट स्टेज है हीरोज जर्नी की, इसे हम कहते हैं द कॉलिंग। ये एक ऐसी कॉलिंग आ रही है यूनिवर्स से कि यहाँ पर यूनिवर्स जैसे आपको पुश कर रहे हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और आप एक एडवेंचर के लिए निकलो अपने लाइफ में। तो यहाँ पे कलेक्टिवली अगर हम देखें तो एक होता है हमारा इंडिविजुअल जर्नी, एक होता है हमारा कलेक्टिव जर्नी। तो अगर हम इंडिविजुअली देखें तो हो सकता है आपका अवेकनिंग बहुत साल पहले से ही हो गया है और आप डिफरेंट स्टेजेस में चल रहे हो इस हीरोज जर्नी में। और अगर हम कलेक्टिवली बात करें तो यहाँ पर इस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कॉलिंग के स्टेज से इस वक्त पास हो रहे हैं। अब ये जो स्टेट है, ये कॉलिंग वाली स्टेट है, यहाँ पर यूनिवर्स जैसे सबको पुश कर रहे हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और एक जैसे एडवेंचर लो, आगे बढ़ो अपने लाइफ में। अब ये जो कॉलिंग होती है ये प्लेजेंट नहीं होती है, बिकॉज शेक किया जाता है आपको, और ईगो को चेंज पसंद नहीं होता है। ईगो को पसंद नहीं होता है कि वो अपना कंफर्ट जोन छोड़े। अब ये कॉलिंग डिफरेंट फॉर्म में मैनिफेस्ट होती है, सबकी अपनी जर्नी चल रही है, तो सबके लिए ये डिफरेंट तरीके से ये कॉलिंग मैनिफेस्ट होती है एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली ऐसे कोई सिचुएशन आ रही है आपके लाइफ में जो ट्रॉमेटिक हो सकती है, जो आपके लिए शॉकिंग हो सकती है। अब जैसे कोई अचानक से आपका हार्ट ब्रेक हो गया है, कोई रिलेशनशिप का ब्रेकअप हुआ है, या हम बोल सकते हैं कि आप प्रोफेशनली कोई डेड एंड में आ गए हो, आपको कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा है जो करियर आप इस वक्त कर रहे हो, जो प्रोफेशन में आप इस वक्त हो, या हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो गया हो, या कोई फाइनेंशियली आपका लॉस हो गया हो। अब ये कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट हो सकता है। सो एक्सटर्नली ये कॉलिंग किसी भी तरीके से मैनिफेस्ट हो सकती है आपके लाइफ में। इंटरनली जब भी कोई ऐसा स्टेट होता है जो सोल के लिए शॉकिंग होता है, तो इंटरनली बहुत सारे आप इमोशंस फील करते हो, जैसे डिप्रेशन में जा सकते हैं, या होपलेसनेस फील कर सकते हैं, या बर्नआउट फील कर सकते हो, एग्जॉस्टेड फील कर सकते हो, जैसे सोल के लिए ये शॉक होता है। तो जैसे एक ट्रॉमेटिक स्टेट से आप पास हो रहे हो, कोई ऐसा इवेंट हो गया है जो आपके लिए शॉकिंग है। शॉकिंग वो इवेंट्स होते हैं जो हम नॉर्मली नहीं सोचते हैं और अचानक से वो इवेंट मैनिफेस्ट होते हैं हमारे लाइफ में। तो ये वो स्टेट है जिसको हम कॉलिंग वाली स्टेट से इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये फर्स्ट स्टेज है हीरोज जर्नी की। तो अगर बुरे से बुरा स्टेज भी होता है आपकी लाइफ में, उसमें कुछ ना कुछ तो एक होप रहती है, अच्छाई रहती है, और आप आगे बढ़ते हो अपने लाइफ में। सो जैसे ही आप आगे बढ़ते जाते हो अपने लाइफ में, आप सेकेंड स्टेज में आ जाते हो इस जर्नी में। हीरोज जर्नी का जो सेकेंड स्टेज होता है उसे हम कहते हैं रिजेक्शन ऑफ द कॉल। तो जो भी इवेंट आपके साथ हुआ है उसमें आप आगे बढ़ते जा रहे हो, आप जैसे कोशिश कर रहे हो कम्फर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, एक जैसे एडवेंचर वाली लाइफ आप चूज कर रहे हो, आप आगे बढ़ते जा रहे हो। तो हमारा जो ईगो होता है उसे चेंज पसंद नहीं होता है, उसे कंफर्ट जोन में रहना ही पसंद है। तो ईगो को ये वाली स्टेट पसंद नहीं आती है। ईगो हर तरह से रिजेक्ट करने की कोशिश करता है, अवॉइड करने की कोशिश करता है, डिनाई करने की कोशिश करता है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो, ईगो आपका प्ले होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे वो जो कॉलिंग आई है उसको आप हर तरह से रिजेक्ट करने की कोशिश करते हो। अब इसमें बहुत सारे डाउट्स आने लग जाते हैं, फियर्स आने लग जाते हैं कि क्या आप इस जर्नी को, इस एडवेंचर को कर पाओगे कि नहीं अपने लाइफ में, क्या आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओगे कि नहीं। तो ईगो हर तरह से प्ले करने की कोशिश करता है
और हर तरह से सिचुएशन को आप डिनाई करने लग जाते हो, रिजेक्ट करने लग जाते हो, इग्नोर करने लग जाते हो, सप्रेस करने लग जाते हो। ये सेकेंड स्टेज है हीरोज जर्नी की। तो जैसे जैसे आप अपनी जर्नी में कमिट करते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो, फियर्स और डाउट्स आने के बावजूद आप आगे निकलते जा रहे हो इस एडवेंचर में। सो यहाँ पर आप थर्ड स्टेज में आ जाते हो। थर्ड स्टेज को हम कहते हैं मीटिंग द एडवाइजर्स। अब ये एडवाइजर्स किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, जैसे सिंक्रोनिसिटीज आपको दिखाई दे सकती है, ड्रीम्स के थ्रू आपको आंसर्स आ सकते हैं, आपकी साइकिक एबिलिटी जो आपको पता भी नहीं थी अचानक से आपको कोई गिफ्ट मिल सकती है यूनिवर्स की ओर से। तो यहाँ पे यूनिवर्स जैसे आपको हेल्प करते हैं। सो स्टेज थ्री में आपको टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको जैसे ट्रेन किया जाता है, और ट्रेनिंग के लिए कोई भी आ सकता है आपके लाइफ में, कोई भी मेंटर आ सकता है, कोई गाइड आ सकता है जिसने ऑलरेडी अपने लाइफ में हीरोज जर्नी किया है पार। सो आपकी जर्नी कंटिन्यू होती है, आप आगे बढ़ते जा रहे हो, आप स्टेज फोर में आ गए हो इस जर्नी में। स्टेज फोर को हम कहते हैं क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। आपने देखा होगा एक व्हाइट लाइट का टनल होता है, बहुत ही डार्क होता है वो टनल, पर दूर आपको कहीं ना कहीं वो व्हाइट लाइट दिख रही है। ये वो स्टेट है कि आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट रख के, फेथ रख के यूनिवर्स पे आगे बढ़ते जा रहे हो। तो स्पिरिचुअल जर्नी किस तरह से होती है आप जानते होंगे, ब्लाइंड जर्नी होती है ये, और आप एक फेथ रख के आगे बढ़ते जाते हो। आपको पता नहीं है आप कहाँ जा रहे हो, किस तरह से आप इस जर्नी को पार करोगे, बट आप आगे बढ़ते जा रहे हो इस टनल में, इस डार्कनेस वाले फेस में चलते ही जा रहे हो, और अपने ओल्ड सेल्फ को जैसे कोशिश करके, नर्वक करके ओवरकम करते जा रहे हो। अब आप आ जाते हो फिफ्थ स्टेज में। ये बहुत ही ट्रिकी स्टेज होता है, यूनिवर्स जैसे तरह तरह से टेस्ट लेता है आपके। अब यहाँ पर ये टेम्पटेशन किसी भी फॉर्म में आ सकती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई एडिक्शन पैटर्न से बाहर निकल रहे हो, और अब आपने फाइनली सोच लिया है, जैसे स्मोकिंग का एडिक्शन है, आपने सोच लिया है कि आप अभी स्मोकिंग नहीं करोगे, आप ये एडिक्शन से अपने आप को बाहर निकालोगे। तो अचानक से आपका फ्रेंड आ जाता है और आपको बोलता है कि चल ना यार, छोड़ ना ये सब, चल फिर से आके स्मोकिंग करते हैं मिलकर। तो ये एक एग्जाम्पल मैं शेयर कर रही हूँ, इस तरह का एक जैसे एक टेम्पटेशन आ सकती है, एक जैसे स्ट्रांग अट्रैक्शन आ सकता है, जैसे एक टेस्ट के जैसे आ सकता है कि आप सच में फेथ रखते हो यूनिवर्स में कि फिर से आप फॉल बैक होने वाले हो अपने पास के पैटर्न में। या अचानक से आपने सोचा है कि अभी आप डिफरेंट करियर करोगे और ये टेम्पटेशंस आ रहे हैं, और फिर से आप वही जॉब्स को अप्लाई करने लग रहे हो, वही करियर में जाने की कोशिश कर रहे हो, वही लोगों से फिर से मिलने की कोशिश कर रहे हो, जिससे फिर से कम्फर्ट जोन में आप जा रहे हो। तो ये जो टेम्पटेशन वाला स्टेज होता है, ये एक ट्रिकी स्टेज होता है। यहाँ पर ये चीज टेम्पररी आपको प्लेजर दे सकती है, कंफर्ट दे सकती है, सिक्योरिटी दे सकती है, बट ये लास्टिंग नहीं होता है। तो यहाँ पर जैसे एक चॉइस का स्टेट आ सकता है कि आप अपने ईगो डिजायर को फॉलो कर रहे हो, कि आप अपने हायर सेल्फ को ट्रस्ट कर रहे हो, कि आप अपने हायर कॉलिंग में अपने आप को लेकर जा रहे हो। कि जैसे एक टेस्ट वाला स्टेट आता है कि अब आप किस तरह से अपने आप को लेकर जा रहे हो। अब बहुत से लोग होते हैं जो कई बार टेम्पटेशंस में आकर पास्ट में फिर से चले जाते हैं, फॉल बैक हो जाते हैं, और फिर से वो जर्नी स्टार्ट करते हैं, जो हीरोज जर्नी के स्टेजेस है फिर से उनके स्टार्ट होते हैं। जैसे जैसे इस टेम्पटेशंस में आप जा रहे हो, जो आपके लिए एक स्ट्रांग अट्रैक्शन के जैसे आया है लाइफ में, आप ये समझना स्टार्ट कर लेते हो कि यूनिवर्स जैसे टेस्ट ले रहे हैं मेरा, कि बाहर से तो ये सारी चीजें प्लेजरेबल दिख रही है, एक स्ट्रांग अट्रैक्शन फील हो रहा है, टेम्पररी सिक्योरिटी भी दे रही है सोसाइटी के आगे, बट इंटरनली सोल सैटिस्फाई नहीं हो रही है ये सब चीजों में। फिर धीरे धीरे करके आप इन टेम्पटेशंस को समझना स्टार्ट करते हो कि ये तो आपको जैसे एक सेफ्टी का इल्यूजन दिखाया जा रहा है, एक्चुअल में आप सेफ नहीं हो यहाँ पर, आप प्लेजर की ओर नहीं जाकर अपने सोल डिजायर की ओर जाओ, आप ईगो डिजायर की ओर नहीं जाकर यूनिवर्स में फेथ जगाओ। तो ये जैसे टेम्पटेशंस को आप देखना स्टार्ट करते हो कि किस तरह से ये टेम्पररी आपको सेफ्टी मिल रही थी, टेम्पररी आपको जैसे वो प्लेजर मिल रहा था, बट ये आपके हायर गुड के लिए नहीं था। स्लोली आप आगे स्टेप्स लेना स्टार्ट करते हो, आप देखना स्टार्ट करते हो कि ये सारे इल्यूजन्स थे, ये सारे फियर्स थे जिसमें आपको चीजें ऐसे लग रही थी कि पॉसिबल नहीं है, जबकि हर एक चीज पॉसिबल है, आप जो चाहे अपने लाइफ में अचीव कर सकते हो। अब आप आ जाते हो स्टेज सिक्स में।
ये सिक्स स्टेज है हीरोज जर्नी की, इसे कहते हैं बेली ऑफ द वेल। अब ये जो सिक्स स्टेज होती है ये हमारे लाइफ का सबसे डार्केस्ट स्पॉट होता है, या हम बोल सकते हैं ये डार्क नाइट ऑफ द सोल का सबसे डीपेस्ट स्टेट होता है, जब आप एक्चुअल में सारे फियर्स को फेस करते जा रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, जेन्युइनली इनर वर्क करते जा रहे हो और आप फेस कर रहे हो, आप भाग नहीं रहे हो, आप डिनाई नहीं कर रहे हो, आप अवॉइड नहीं कर रहे हो, आप फेस करते जा रहे हो, अपने अंदर की डार्कनेस को फेस कर रहे हो, इनर डीमंस को आप फेस कर रहे हो। तो यहाँ पे आप अपनी लाइफ की सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करते हो, आप विक्टिम वाले स्टेट से बाहर आने लग जाते हो। अब तक आप बाहर की चीजों को ब्लेम कर रहे थे, लोगों को ब्लेम कर रहे थे, सिचुएशन को ब्लेम कर रहे थे, आप बाहर ईवल देख रहे थे, बाहर ईवल को ब्लेम कर रहे थे। अब आप रियलाइज करते हो कि अंदर ईवल एग्जिस्ट करता है तभी ही बाहर उसका रिफ्लेक्शन दिखता है। तो जब तक हम अपने अंदर के ईवल को, अपने अंदर की डार्कनेस को हील नहीं करेंगे, तब तक बाहर भी डार्कनेस नहीं जा सकती है लाइफ से। तो एक्चुअल में आप जैसे इनर वर्क कर रहे हो, जेन्युइनली आप अपने फियर्स को कन्फ्रंट करते जा रहे हो। अब ये वो स्टेज होता है जिसको हम कहते हैं ईगो डेथ वाला फेस, जो आपने फॉल्स ईगो के आइडेंटिफिकेशन क्रिएट किए हैं वो जैसे फॉल होते जा रहे हैं, और आप हायर पावर पे ट्रस्ट करते जा रहे हो, अपने हायर सेल्फ की सुनते जा रहे हो, अपने इंट्यूशन की आप सुनते जा रहे हो, आप राइज कर रहे हो। तो जैसे फीनिक्स के तरह आप राइज होना स्टार्ट हो रहे हो, अपने एम्पावरमेंट में आप आते जा रहे हो। अब आप आ जाते हो स्टेज 7 में, इसे हम कहते हैं द रिवॉर्ड। अब ये वो स्टेज है जिसमें आप अपने लाइफ के खुद हीरो बन गए हो, आपने मैट्रिक्स को कोलैप्स कर लिया है, आप लिमिटेशंस के पार चीजों को देख पा रहे हो, किस तरह से डिवाइनली सारी चीजें चल रही थी आप समझ पा रहे हो अपने लाइफ में। तो जैसे जैसे आप अपने लाइफ के रिवॉर्ड को देख रहे हो, आप अपने सोल को रियलाइज कर रहे हो, आप अपने अंदर के पावर को जगा रहे हो, अपने जर्नी को आप समझ चुके हो, अब यहाँ पर आपके अंदर इच्छा आती है कि क्यों ना मैं दूसरों को भी मदद करूं उनके जर्नी में, उनके हीरोज जर्नी में मैं उनको हेल्प करूं। तो यहाँ पर आप सर्विस टू अदर्स में काम करना स्टार्ट कर लेते हो। स्टेज 8 में आप आ गए हो हीरोज जर्नी में, जो फिर से आप ऑर्डिनरी वर्ल्ड में जाते हो। तो यहाँ पे आप जैसे अपने एग्जाम्पल से लोगों को ट्रेन कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो, लोगों को टूल्स दे रहे हो उनके जर्नी में, कि किस तरह से आपने अपनी जर्नी की है और किस तरह से बेस्ट वे में आप उनको हेल्प कर रहे हो। तो ये वो 8 स्टेजेस है हीरोज जर्नी की, आप खुद रिलेट करके देख सकते हो कि आप इस वक्त कौन से स्टेज में चल रहे हो। ओवरऑल कलेक्टिवली भी अगर हम देखें तो सबके लिए जैसे एक कॉलिंग आई है, सबके लिए जैसे यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रहा है एडवेंचर लेने के लिए, आगे बढ़ो और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अब कितने लोग इस कॉलिंग को लेते हैं, कितने लोग रिजेक्ट करते हैं इस कॉल को, कितने लोग डिनाई करते हैं, कितने लोग टेम्पटेशंस में फंस जाते हैं सालों साल, वो उनके पर्सनल चॉइसेस पे डिपेंड करता है। तो हर एक को ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है इस वक्त, अब हमारे ऊपर है कि हम कितना फास्ट अपने लाइफ की जर्नी करते हैं। तो जैसे जैसे इंडिविजुअली हम इस जर्नी को सक्सेसफुली करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम कलेक्टिवली भी इस प्लैनेट को असिस्ट करते जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। आप खुद अपने लाइफ में रिलेट करके देख सकते हो इस जर्नी से, आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो कि इस वक्त आप कौन से स्टेज से पास हो रहे हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।